जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि सत्संग क्या है, सत्संग में क्यों जाना चाहिए, नित्य सत्संग क्यों ज़रूरी है, सत्संग से क्या मिलता है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरुजी लिखना मत भूलना। अब बताती हूँ सत्संग क्या है। संगत जी, सत्संग इस संसार में सबसे बड़ी साधना है। सत्संग के दौरान हम किसी संत पुरुष का संग करते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, उनसे कुछ सत चर्चा करते हैं, जिससे हमारे चिंतन में परिवर्तन होता है, सत कार्य करने की प्रेरणा आती है, पर हित की प्रेरणा आती है और हमारा मानव जीवन सफल होता है। हम ऊर्जावान होते हैं और खुशी को महसूस कर पाते हैं। सत्संग रूपी इस साधना से तत्काल हमारे जीवन में फल मिलता है। तुरंत हमारे जीवन की चिंता दूर कर हम मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग हमारे मन और आत्मा का भोजन है। हमारा मन हर समय नीचे की ओर ही गतिमान रहता है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं। सत्संग से हमारे मन का चिंतन सही होता है। सत्संग से ही हमारे मन की निगरानी हो पाती है। सत्संग यानी सत्य कथन, सत्य इंसान का संग, सत्य जो सिद्ध है, प्रामाणिक है, उस बात का संग, सत्य का संग हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, रिश्ते, सफलता सभी सामूहिक रूप में लेकर आता है। सत्य की निरंतर सत्ता बनी रहती है, इसलिए इसका संग करने से मनुष्य को निश्चय ही सफलता मिलती है और उसके जीवन में खुशियाँ आती हैं। अब बताती हूँ सत्संग में क्यों जाना चाहिए। सत्संग के द्वारा हमारी मेडिकल जांच होती है, हमारी मानसिक जांच होती है। हमें पता चलता है कि हमारे में बीमारी क्या है, कैसे इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, और हम गुरु मुख से चर्चा के द्वारा अपने अंदर की कमी या बुराई को जानकर उसे दूर कर पाते हैं। इसके प्रभाव से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। सत्संग के समय हमें प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं, अपने जीवन में उन सुनी हुई बातों को उनके संग से, जिन बातों को सुनकर अपना नहीं पा रहे हैं, उनको जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, तो यह सिर्फ उस व्यक्ति से मिलकर आने जैसा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, या यह सत्संग नहीं। अब बताती हूँ नित्य सत्संग क्यों ज़रूरी है। जिस प्रकार घर अगर सफाई करके चारों तरफ से बंद भी कर दिया जाए, तब भी हम एक दिन बाद जब खोलते हैं, निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ धूल आ ही जाती है। उसी तरह हम मानव के जीवन में भी, हम कितने भी सकारात्मक विचारों से घिर कर रह रहे हो, कितने भी अच्छे माहौल के साथ रह रहे हो, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ त्रुटियां विचारों की आ ही जाती हैं, जिसे हम सत्संग के माध्यम के द्वारा रोज़ जानकर रोज़ ही साफ कर पाते हैं। इसलिए हर मानव को कुछ देर के लिए ही सही ज़रूर सत्संग करना चाहिए। अब बताती हूँ सत्संग से क्या मिलता है। सत्संग करने से हमारे जीवन में विवेक की जागृति होती है। विवेक का मतलब हम बुद्धि ही समझ सकते हैं। सत्संग हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सत्संग के द्वारा हम निर्णय ले पाते हैं और निर्णय का लेना ही चिंता को मिटाता है, जो हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देता है, जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। सत्य की शरणागति, सत्य की दोस्ती हमें जीवन में खुशियाँ का अनुभव कराती है। सत्संग से हम असत्य को जानकर उसे तुरंत अपना संबंध हटा पाते हैं। सत्संग से हमारे जीवन में नए नए गुण रोज़ आते हैं, नई बातें हम रोज़ सीखते हैं। सत्संग से हमें जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने का ज्ञान मिलता है, जिससे हम प्रसन्न से निरंतर खुशियों के साथ अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर पाते हैं। सत्संग सामने आते ही
अपने वचन, मन और कर्म में जो त्रुटियां हो रही हैं वह नज़र आने लगती हैं, और जब यह त्रुटियां सामने होती हैं तब इन त्रुटि को दूर करने पर हम काम कर पाते हैं। नए नए विचार, नए नए समाधान, नई नई वस्तुओं का ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो गजब का परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि और उसके गुण, उसकी एनर्जी हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। हमारी मन की स्थिति संयमित होने लगी है और हम आराम की स्थिति को महसूस करते हैं। सत्संग के प्रभाव से अपने निर्णय को हम ठीक ले पाते हैं, जो हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद लाती हैं। सत्संग से जीवन में पवित्र चिंतन होने लगता है, हमारा आचरण और व्यवहार का शुद्धिकरण होने लगता है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ाता है। सत्संग से हमें सुमति की प्राप्ति होती है, जो हमारे विचारों को सकारात्मक बनाने में सक्षम होती है, हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ती है। सत्संग से अदृश्य शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ जैसी हमारे अनुकूल होती हैं, और अन्य किसी साधन से भी ऐसा नहीं होता। सत्संग करने से पाप तो हमारे नष्ट होते ही हैं, वरना पाप करने की वृत्ति भी नष्ट हो जाती है, और पुण्य स्वतः ही बढ़ते हैं जो हमें खुशियाँ देते हैं। गंगा स्नान तो सिर्फ कुछ मिनट या घंटों के लिए ही होता है, पर सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने से मन भी पवित्र होता है और जीवन में खुशियों की तरंगे प्रवाहित होती हैं, हमारे जीवन में गुण बढ़ते हैं। इस सत्संग को हम जीवन में परिवार और इष्ट मित्रों के साथ कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन में इंद्रधनुष के सातों रंगों को भर सकता है, हमारा भाग्य चमका सकता है, हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति करा सकता है, हमारे जीवन में खुशियां भर सकता है। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।